हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी नार्जो N55 फ़ोन में आप लोग ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में भी ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम लास्ट वाला जो ऑप्शन है बैकअप एंड रीसेट का, तो इस पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट फ़ोन का ऑप्शन है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और रीसेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर रीसेटिंग हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर जो आप लोगों का ब्लूटूथ सेटिंग है वो रीसेट हो जाएगा। देख सकते हैं रीसेट वाईफाई ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ सेटिंग रीसेट होने के बाद आपका जो ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद फिर से सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऐप्स का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद पहला वाला ऑप्शन देख सकते हैं ऐप मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर से आप लोगों को ब्लूटूथ के ऑप्शन को ढूंढना है। ब्लूटूथ का ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेगा गाइस, आप लोगों को इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा और शो सिस्टम पे क्लिक कर देना होगा। अभी आप लोग सर्च करके भी ढूंढ सकते हो और स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। तो ये रहा ब्लूटूथ का ऑप्शन शो हो गया है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा गाइस, आपका जो ब्लूटूथ का डाटा है वो क्लियर हो जाएगा। ब्लूटूथ का डाटा क्लियर हो जाने के बाद आपका जो ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी नार्जो N55 फ़ोन में ब्लूटूथ कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।